काम में हम सब सलामती हो, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के वक्त के लिए जो खुदा हमने आज एक बार फिर हमारी जिंदगी में बख्श किया है। काश काश ये हमारी जिंदगी में कभी ना आए। राजबेटे ने जैसे कि आज कहा कि मैं अगर किसी बात पर काश कहता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से कि मैंने अपनी माँ की वो खिदमत नहीं की या उसकी वो इज्जत नहीं की जो कि वो डिजर्व करती थी या जो वो हक रखती थी या जिसके वो लायक थी या जिसके वो काबिल थी। क्या आज हम में से कोई ऐसा है जिसकी माँ इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो और उसने अपनी माँ की वो खिदमत वैसा हक वैसी इज्जत उसे ना दी हो? मेरे से तो माँ का लफ्ज जहां पर भी आ जाता है उसे लफ्जों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान माँ को लफ्जों में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता, लफ्जों में बयान कर ही नहीं सकता। माँ एक ऐसी हस्ती है, ऐसी एक क्या कह रहे थे, एक अजूबा है जो खुदावंद खुदा ने इस दुनिया में उतारा। और बहुत सारे लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि माँ जो है वो खुदा का रब का दूसरा रूप है। अगर किसी ने रब को देखना है तो वो अपनी माँ को देखे। क्या हम सब आर्जू रखते हैं हमें अपने रब को देखे? मेरा ख्याल है कि हर कोई ये आर्जू रखता होगा, हर किसी को ये आर्जू होगी कि वो खुदा को देखे। और कई खुदा के लोगों ने खुदावंद से मिन्नत भी की, खुदावंद से कहा भी खुदावंद हम तुझे देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम खुदा को देखना चाहते हैं तो हम अपनी माँ को देखते हैं, क्योंकि आज के दौर में तो माँ की वैसी इज्जत वैसा खौफ नहीं माना जाता जो कि कुछ देर पहले या कुछ पुराने जमाने में माना जाता था। माँ ने जो कह दिया वो हो गया, बच्चे उसको कभी नहीं डालते थे, लेकिन आज बच्चे आर्ग्यू करते हैं। माँ ने कुछ बोले तो बोलते हैं कि माँ तुझे क्या पता, तू क्या बोलती है, हम तुझसे ज्यादा जानते हैं। आज का हमारा जो मजमून है वो आप सबके सामने है, मॉडल मदर। तो जैसे कि हमने आज का हवाला जो तलावत किया वो इंसान की किताब से है, और इंसान की किताब को जब मैं देख रही थी तो हम लोग सब ही इस हवाले को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इंसान 31वें बार की जो मदर है यानी कि लेवल बादशाह की माँ जो है उसके बारे में अक्सर ही पैगाम जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन जिस तौर पर मैंने इसको जाना, मैंने इसको सीखा, एक नए तौर पे था। कभी इस तौर पे मैंने इसको नहीं सुना था, नहीं सीखा था। मैंने खुद भी इस चैप्टर को, इस बात को बहुत दफा पढ़ा है, बहुत दफा इस पर गौर किया, लेकिन मेरे अजीजों में कभी भी इसको इस तरह से नहीं सीख सके जिस तरह से इस दफा इस बार इस पैगाम को तैयार करते हुए मैंने सीखा। अगर हम इसकी 3वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है 31वीं बार की 3वीं आयत, वो ऊन और केतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है, खुशी के साथ। अच्छा, आपने किसी ऐसी माँ को देखा होगा कि जो खुशी से काम ना करती हो? हाँ, ऐसी है भी है, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो भी इस वजह से कि शायद बहुत सारी उसे मुश्किलात दरपेश आ रही होती है। अदरवाइज एक माँ जो है वो हमेशा अपने बच्चे के लिए खुशी के साथ अपने हाथों से काम करना पसंद करती है। और मैंने ऐसी बहुत सारी माएँ देखी हैं जो अपने बच्चों के मामले में वो कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, वो चाहे कोई भी क्यों ना, दादी नानी चाहे कितना भी प्यार कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक माँ जो है वो अपने बच्चे को किसी पर नहीं छोड़ती, बल्कि वो खुद अपने हाथों से अपने बच्चे का हर काम करती है और इसमें खुशी को महसूस करती है। बिल्कुल इसी औरत की तरह ये भी अपने हाथों से छोटे
अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए करती है। चौथी आयत देखिए तो वहां लिखा है जहाज, चौथी आयत में लिखा है वो सुदागरों के जहाजों के मालिक है, वो अपनी ख्वाहिश दूर से ले आती है। अच्छा, जब मैं इस आयत को पढ़ती थी तो मैं कहती थी कि शायद ये खुराक के हवाले से है, क्योंकि ख्वाहिश का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये ऐसा करती होगी कि बहुत दूर जाती होगी जहाजों पे या इधर उधर जाके ये अपने बच्चों के लिए खुराक को हासिल करती होगी, तो इसका मतलब ये है। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी किया, मैंने इसको पढ़ा, तो मेरे अजीजों जहाज का मतलब है उसकी रूह जो है, उसकी रूह जो है वो दूर तक जाती है। और कहां तक जाती है? वो आसमान की बुलंदियों में खुदा बाप के पास जाती है और वहां से अपने बच्चों के लिए बरकत को, ब्लेसिंग को लेकर आती है। मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने बच्चों के लिए अपने हाथों को दुआ में ना उठाती हो। और जब वो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाती है तो आसमान से बरकत नाजिल होती है, आसमान से खुदावंद खुदा बरकत देता है, आसमान से खुदावंद खुदा उन बच्चों की झोलियों को भर देता है, उनकी जिंदगियों को भर देता है। तो उसकी रूह जो है वो खुदावंद खुदा के साथ कनेक्ट होती है और आसमान पर से दूर से वो अपने बच्चों के लिए खुराक जो है वो लेकर आती है, वो अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग जो है वो लेकर आती है, वो अपने बच्चों के लिए खुशियां जो है वो दूर से लेकर आती है। यानी कि खुदावंद खुदा से आसमान पर से वो अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ लेकर आती है। और हम एक रास्ता मां की एक दुआ को मां की जिंदगी में देखते हैं कि उसके बच्चे किस कदर खुश और किस कदर मुतमिन है और किस कदर बरकत से भरे हुए हैं। पंद्रहवीं आयत को रात को ही उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। यहां पर भी मेरी सोच ये थी कि अच्छा, ये क्योंकि अमीर औरत है, कारोबार करने वाली है, एक बिजनेस वूमेन है, तो यकीनन तौर पर इसकी बहुत सारी लौंडियां होंगी, जिन इसकी दासियां होंगी जिनको ये काम देती है। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा डीपली, कुछ यहूदी रबियों की मैंने किताबों को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये हमारा जिस्म जो है, ये सब हमारे आजाद जो है, ये हमारे गुलाम है, हमारे जहन के गुलाम है, हमारे ख्यालात के गुलाम है। क्योंकि जिस तरह हम अपने बगैर अपने हाथों को कम देते हैं, हाथ वही करेंगे। जिस तरह हम अपनी आंखों को कम देते हैं, आंखें वही करती हैं। जिस तरह हम अपने पाँव को कम देते हैं, हम पाँव वैसे ही करते हैं। तो ये बदन के अज़ा जो है, मुख्तलि पार्ट जो है, ये हमारे गुलाम है, हमारी लौंडियाँ हैं, हमारी दासियाँ हैं। तो एक रात पास औरत जो है, जो रातों के पहलों में उठ बैठती है और अपने गुलाम से कनेक्ट हो जाती है और अपने आप को गुलाम की हजूरी में ले आती है, वही बैठ कर वो सोच लेती है कि मैंने अपनी लौंडियों को, यानी कि मैंने अपने आजाद को सुबह उठ कर कौन कौन से काम के लिए बोलना है, कौन कौन से काम करने हैं। वो अपने हाथों को, अपने जहन को, अपने बदन को उसी तौर पर तैयार करना शुरू कर देती है कि अच्छा, हाथों तुमने सुबह उठ के ये काम करना है, मेरे पाँव ने सुबह उठ कर ये काम करना है और मेरे पूरे आजाद जो है जिसम के वो ये काम करेंगे। सत्रहवीं आयत में वो अपनी कमर जो है वो मजबूती के साथ बांधती है। अब कमर को बांधना क्या है? कमर को बांधना है हर तरह की सुस्ती और लापरवाही को वो दूर करती है, हर तरह की अपनी नींद को वो छोड़ देती है, हर तरह की कमजोरी को बलाए ताक रखती है। जैसे कि हमने अपनी एक बेटी से अभी भी सुना, वो कहती है जब उसकी माँ ये कमर में बैठती तो वो हमें ये महसूस नहीं होने देती थी कि वो तकलीफ में है, वो हमारे सारे काम उसी तरह करती रही जैसे वो पहले करती थी। सो एक माँ जो है वो अपनी कमर को मजबूती के साथ बांधती है। और मुझे अच्छे से याद है कि मुझे एक बार इतना तेज बुखार था और उस बुखार में भी मैंने अपने बच्चों के लिए हानि बनाई। हालांकि मेरा ख्याल 104 बुखार था, जब वो डॉक्टर ने चेक किया मुझे कुछ होश नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी अपने बच्चों को। और मेरी जो बड़ी बेटी, बाद में जैसे इंसान के जहन पे कुछ असर हो जाता है बुखार का, तो मैं अपनी बेटी के गोद में ही सर रख के, तो बच्चों जैसी पता नहीं कैसी अजीब सी बातें कर रही थी, ये बाद में उन्होंने मुझे बताया। तो मैं बुखार की हालत में भी मैं अपना खाना बनाना नहीं भूली, बल्कि उसी हालत में मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना भी तैयार किया। ये मैं अपनी कोई बड़ाई के लिए नहीं कह रही,
किया कर। सो हर माँ जो है अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचती है, बहुत अच्छा करती है, और वो किसी भी तरह की सुस्ती को, लापरवाही को एक तरफ रखते हुए अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से काम करती है। मैं इसकी जो है 21वीं आयत देख रही थी, तो 21वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुरपोश है। वो अपने खानदान के लिए बर्फ से भी नहीं डरती। और मैंने जैसे कि बताया कि जब मैं पहले इसको तलावत किया करती थी ना याद, तो मुझे यही लगता था कि हाँ जैसे कैनेडा, अमेरिका या कुछ इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो मैं जो बाहर बर्फ में भी निकल कर काम करती हैं। लेकिन अजीजों, इस आयत का जो एक भेद मेरे सामने खुला वो ये था कि बर्फ क्योंकि ठंडी होती है और इंसान जब मर जाता है तो वो बिल्कुल बर्फ की माने ठंडा हो जाता है। तो एक माँ जो है वो मरने से भी नहीं डरती, वो यहाँ तक अपने बच्चों से प्यार करती है और इतना कुछ अपने बच्चों के लिए कर गुजरती है कि वो मौत से भी नहीं डरती। बच्चा जब पैदा हो रहा होता है या 9 महीने जब माँ एक बच्चे को अपने अंदर रखती है, उसे अपने पेट में ही पाल रही होती है, एक मर्द शायद उसका तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन जो औरतें बैठी हुई हैं वो यकीनी तौर पर, खासतौर पर माएं, इस बात को जानेंगी, समझेंगी, महसूस करेंगी और कहेंगी भी मेरे साथ बेटिए कि उन्होंने उन 9 महीनों में किस तरह की तकलीफ सही, और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया उस वक्त उसकी हालत क्या थी या उनकी हालत क्या थी और किस तरह से। तो वहां तो यही है कि वो मौत से भी नहीं डरती और कई बार तो मर भी जाती है बच्चों को जन्म देते देते। तो एक माँ जो है अपने बच्चे को इस दुनिया में लाते हुए मेरे जिसो मौत से भी नहीं डरती, बल्कि वो हर एक चीज से टकरा जाती है। और लिखा है कि उसके खानदान में हर कोई सुर्ख पोश है। और 22वीं आयत किसी के साथ कनेक्टेड है, वहां लिखा है वो अपने लिए उसकी पोशाक महीन कुतानी और अरगवानी है, कि उसके ऐसे काम है जो इन रंगों को जाहिर करते हैं। अच्छा, पिछले ही दिनों हमने एक बाइबल स्टडी का सिलसिला शुरू किया ऑनलाइन, हम लोग कुछ बेटियां बहनें मिलके बाइबल स्टडी करते हैं। तो जब हमने एहबार की किताब को शुरू किया तो बहुत सारे रंगों की बात थी, बहुत सारे नंबर्स की बात थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम देखेंगे खुदावंद ने इन्हीं रंगों को क्यों सिलेक्ट किया या इन्हीं रंगों से क्यों कहा कि भाई तुम्हें इन रंगों को इस्तेमाल करना। तो उसमें एक रंग जो हमने देखा बहुत ज़्यादा था और वो रंग था अरगवानी। अरगवानी को जब हमने इंग्लिश में देखा तो वो पर्पल रंग बन गया, और फिर जब हमने पर्पल रंग को देखा कि इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या क्या खासियत है कि खुदावंद ने इसी रंग को चुना, तो मेरे अजीजों पर्पल रंग जो है वो विजडम को, पीस को, पावर को शो करता है। और भी बहुत सारी हैं इसकी खासियत, लेकिन मैंने ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो चुनी इसमें से, कि ये वेल्थ को भी जाहिर करता है, ये विजडम को भी जाहिर करता है, ये पीस को भी जाहिर करता है और ये पावर को भी जाहिर करता है। तो ये क्या करती है कि ये अपने बच्चों की जो पोशाक जो है वो अरवानी रंग की बनाती है, वो ऐसे महीन कतान से बनाती है, यानी कि उसके घर में पावर भी रहे उसके बच्चों में, उनमें पीस भी रहे, उनमें हिकमत भी रहे, वो दौलतमंद भी हो, वो प्योर भी हो और वो शाही काहिनों का फिरका भी हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि रॉयल फैमिलीज जो है वो इस तरह के रंग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, और हमारे जो बिशप साहबान हैं उनका भी देखा होगा आपने, क्योंकि वो सरदार के तौर पे काम करते हैं, सरदार काहिन के तौर पे, यानी कि वो बड़े प्रीस्ट हैं, तो इस वजह से वो भी इस रंग को, पर्पल रंग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस चीज़ की निशानी है, वो इस चीज़ की निशानी है कि ये खुदा के खानदान से, यानी कि शाही काहिन के फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो अपने
बच्चों के लिए ऐसे लिबास बनाती है कि उसके घर में पावर, उसके घर में हिकमत, उसके घर में दौलत, उसके घर में अमन जो है वो बना रही। और मेरे ख्याल में कि हर माँ बाप जो है वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चों में हमेशा सलामती हो, उनके बच्चे को कामयाब हों, वो अमन के साथ रहे, उनके पास पावर हो और वो खुदा पर भी पूरे तौर पर ईमान रखें। क्योंकि जब तक हम खुदावन पर ईमान नहीं रखते, हम शाही काहिनों का फिरका बन ही नहीं सकते। तीसरी आयत में लिखा हुआ है, हुस्न धोखा और जमाल बेसवाद है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है शत्रुदा हो गई। मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ, आज बहुत सारे हसीन चेहरे, बहुत सारी खूबसूरती हमारे दरमियान है, खूबसूरत माएँ, खूबसूरत बहनें, खूबसूरत बेटियाँ हमारी है हमारे ग्रामों की, इसके लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये सब कुछ धोखा और मिटने वाला है, अगर है तो वो खत्म हो जाएगा, जमाल अगर है तो वो मिट जाएगा, लेकिन कायम क्या रहेगा? अच्छे और भले काम, नेक काम, खुदावन के काम जो हम करते हैं, खुदावन की हिम्मत जो हम करते हैं, उसके लिए दिन रात सोचते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के लिए उठ खड़े होते हैं, जब हम खुदावन की तो इस
कि औरत की इज्जत करना सीखो। जिस तरह से खुदावन ने एक इंतजाम बनाया है बाइबल के मुताबिक, क्योंकि ना मर्द कुछ है ना औरत कुछ है, दोनों बराबर है परमेश्वर की तालीम के मुताबिक भी, और जब ये दोनों साथ चलते हैं, मुत्तफिक होकर चलते हैं, तो फिर खुदावन खुदा आसमान में से बरकत को नासिल करता है। अगर दोनों में से कोई एक भी ऐसा है कि जिसको कमतर दर्जा दिया जाता है या जिसको पीछे हटा दिया जाता है, तो फिर दुआएं जो है वो रुक जाती हैं। फिर मर्द चाहे जितना मर्जी चिल्लाता रहे, खुदावन नहीं सुनेगा, क्योंकि खुदावन ने तो एक साथी आपको दिया हुआ है। वो किस लिए दिया था? कि उसको आप डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करो, उसको कमतर जानो, या उसको कहो कि बस तू आराम से एक जगह बैठ जा, मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं, तू कौन है? जब तक आप अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने साथ रहने वाली चर्च की जो लेडीज हैं, ये भी आपकी माएं बहनें हैं, बेटियां हैं, इनको इज्जत नहीं दोगे, तो मत समझे कि हम कुछ भी खुदावन से हासिल कर सकते हैं। सो एक माँ होने के नाते मैं आप सबसे यही दरखास्त करूंगी कि प्लीज खुदारा अपनी औरतों की इज्जत करना सीखें, अपनी माओ की कदर करें। अगर आज वो जिंदा है तो उनकी जितनी भी खिदमत कर सकते हैं। हमारे एक बच्चे ने अभी कहा कि अगर आज मेरी माँ वापिस आ जाए और मैं 25 साल पीछे चला जाऊँ, तो मैं रज के उनकी खिदमत करूँ, जी भर के उनकी खिदमत करूँ। कल को हमारी जिंदगी में ये काश ना आ जाए। अगर आज हमारी माँ जिंदा है, उसकी कदर करें, उसे प्यार करें, और जो वो डिजर्व करती है उसके लिए जरूर करें। खुदा हम सबको।